हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं, अगर आप पेटीएम चलाते हो और आप पैसे भी ट्रांसफर करते हो, लेकिन दोस्तों जब आप पैसे ट्रांसफर करते हो तब इसमें आपको कूपन मिलते हैं स्क्रैच कार्ड करने के लिए। जब आप स्क्रैच कार्ड को स्क्रैच करते हो तो उसमें आपको कैशबैक पॉइंट मिलते हैं, लेकिन दोस्तों आपको ये नहीं पता कि उस पॉइंट को पैसे में कैसे कन्वर्ट करें। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसा सरल तरीका जिससे आप अपने कैशबैक पॉइंट को बड़ी आसानी से पैसों में बदल पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपना पेटीएम ऐप ओपन कर लेना होगा। तो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ देखिए कैशबैक, तो यहाँ पे आपको ओके कर देना होगा। दोस्तों यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद देखिए आपके सामने यहाँ पे देखिए कैशबैक पॉइंट दिखा रहे हैं 4205। तो गाइस यहाँ पे मेरे पास 4205 पॉइंट हैं, तो इन्हें मुझे पैसों में बदलना होगा। इससे पहले मैं नीचे थोड़ा सा और कर लेता हूँ और यहाँ पे मुझे ऑफर देखने को मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पे कैशबैक 19 रुपए। सबसे पहले पर अगर आप 1500 पॉइंट इन्वेस्टमेंट करते हो फर्स्ट टाइम, तो यहाँ पर आपको 19 रुपए का कैशबैक मिलता है, वो भी अगर आप रिचार्ज करते हो डाटा वाला किसी का। लेकिन दोस्तों ये ऑफर सिर्फ आप एक ही बार इस्तेमाल कर पाओगे, उसके बाद आप दोबारा से इस्तेमाल नहीं कर पाओगे ये ऑफर 19 रुपए वाला। तो गाइस यहाँ पे मैं बैक कर लेता हूँ। इसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे करना होगा। तो गाइस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नीचे कर लिया है। अब आपके सामने लिखा हुआ है एक्सप्लोर ऑल डील्स। तो गाइस यहाँ पे देखिए इसके नीचे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पे मैं साइड में कर लेता हूँ। साइड में करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा गिफ्ट कार्ड। तो गिफ्ट कार्ड पे जब आप ओके करेंगे तो गाइस यहाँ पे देखिए आपके सामने गिफ्ट कार्ड शो कर रहे हैं, आपको कितने रुपए में कितने पॉइंट देने होंगे और आपको कितने रुपए यहाँ पे मिल जाएंगे। तो गाइस सबसे छोटा गिफ्ट कार्ड होता है 10 रुपए का, जिसमें आपको 1300 पॉइंट इन्वेस्टमेंट करने होते हैं, यानी कि आपको 1300 पॉइंट देने होंगे और उसमें आपको 10 रुपए का गिफ्ट कार्ड मिल जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है 50 रुपए का, जिसमें आपको 6500 पॉइंट्स देने होते हैं। लेकिन दोस्तों मेरे पास 6500 पॉइंट नहीं है, मेरे पास सिर्फ 4200 पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पे मुझे 10-10 रुपए ही करके यहाँ पे विड्रॉल करने होंगे, यानी कि गिफ्ट कार्ड खरीदने होंगे। तो यहाँ पे मैंने 10 रुपए पे फिर से ओके कर दिया है। अब नीचे लिखा हुआ है अवेल फॉर 1300 पॉइंट्स कन्फर्म। अगर आपको 10 रुपए का गिफ्ट वाउचर खरीदना होगा तो यहाँ पे आपको 1300 पॉइंट कटवाने होंगे। तो यहाँ पे मैंने ओके कर दिया है। अब मुझे यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है व्यू पासबुक, तो यहाँ पे मैं ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद मैं अपनी हिस्ट्री में जाकर देख सकता हूँ कि मेरे पास 10 रुपए का बैलेंस आया है या फिर नहीं। तो गाइस यहाँ पे देखिए मेरे सामने 10 रुपए का गिफ्ट वाउचर आ चुका है, यानी कि मेरा 1300 पॉइंट कट चुके होंगे और मुझे यहाँ पर 10 रुपए का गिफ्ट वाउचर मिल चुका है। तो यहाँ पे मैं दोबारा से गिफ्ट कार्ड पे ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद नीचे लिखा हुआ है अवेल फॉर 1300 पॉइंट, इस पे ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे मेरे फिर से 1300 पॉइंट कट जाते हैं और यहाँ पे मुझे दोबारा से भी 10 रुपए का गिफ्ट वाउचर मिल जाता है। इसी प्रकार आपके पास जितने भी पॉइंट पड़े हुए हैं उसी तरीके से आप विड्रॉल कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे मेरे पास 3 बार मैंने कर लिया है, अब मेरे पास पॉइंट ज्यादा नहीं बचे हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास 30 रुपए गिफ्ट वाउचर में आ चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मैं दोबारा से खरीद के देखना चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल आता है नहीं। तो गाइस अब यहाँ पे मेरे पॉइंट खत्म हो चुके हैं, यहाँ पे देखिए 1300 पॉइंट नहीं है। अब मुझे यहाँ पे 10 रुपए का गिफ्ट वाउचर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मैं वापस चला जाता हूँ और अपने पॉइंट को चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पर मेरे पॉइंट कितने बचे हुए हैं। तो गाइस यहाँ पे मेरे पास 305 पॉइंट बचे हुए हैं, जिससे मुझे अब कुछ नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे मुझे ऐसे ही छोड़ देने होंगे और मेरे पास जो 30 रुपए आ चुके हैं उन्हें मुझे विड्रॉल करना होगा। जैसे आप किसी दुकान पर जाएंगे उसका QR कोड होता है स्कैन करने वाला, आप उसे स्कैन करके उसके पास रुपए डाल सकते हो। तो गाइस यहाँ पे मेरे पास एक नंबर पहले से सेव है बिजनेस अकाउंट वाला, तो वो नंबर यहाँ पे मैं डाल के पैसे डाल देता हूँ और मेरे सक्सेसफुली पैसे यहाँ पे विड्रॉल हो जाएंगे। तो गाइस यहाँ पे मैं 30 रुपए डाल देता हूँ, डालने के बाद अपना पिन भी डाल देता हूँ। तो गाइस देखिए यहाँ पे मेरे 30 रुपए सक्सेसफुली पे हो चुके हैं। अब मुझे यहाँ पे 30 रुपए दुकानदार से लेने होंगे। दोस्तों अगर आपके पास भी पॉइंट ऐसे पड़े हैं तो आप भी विड्रॉल कर सकते हो बड़ी आसानी से। तो गाइस आशा करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें ये वीडियो, ताकि उन्हें भी पता चले अपने पॉइंट को कैसे विड्रॉल करें। तो चलिए दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिएगा।